बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ लंच बॉक्स की रेसिपी जो मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले दाल रेडी करूँगी। तो मैंने इसमें पानी डाला है, तुअर की दाल डाला है मैंने, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये है लहसुन की जवे, और 2 से 3 टमाटर को मैंने 1/2 अप करके डाल दिया है। इसमें मैंने चॉप करके टमाटर ऐड नहीं किया है क्योंकि जैसे ही ये गल जाएगा जो इसके ऊपर की स्किन रहती है हम उसे रिमूव कर लेंगे। नमक हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैंने इसमें करी लीव्स डाला है, इससे जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए हम इसे गलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग, जो पालक और आलू का पराठा बनाया था, इसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले आलूओं को बॉयल कर लूँगी। तो 1/2 kg मैंने यहाँ पर आलू लिया है, और ये न्यू रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम कुकर की लीड लगा के इसे गलने के लिए रख देते हैं, और यहाँ पे हम पालक को भी बॉईल कर लेंगे। तो पानी मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया है, इसमें मैंने 1/2 बंच पालक के डाले हैं। इसे सिर्फ हम 10 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे, जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे प्रेस करते हुए मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये बॉईल हो चुका है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च डाला था और थोड़े से लहसुन की जवे डाले थे टेस्ट के लिए, और यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो पालक का पेस्ट है हम इसे ऐड कर देंगे। और इसके अंदर जो भी पालक का था इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी के अंदर पानी डाल के हम आटा को गूंद लेंगे। कलर बहुत ही प्यारा आता है ये। और यहाँ पे ये जो आलू है अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हम इसे मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने मैश कर लिया है, तो हम इसके अंदर डालेंगे ये कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च लिया है, और उसके अंदर की जो बीन्स थी उसको मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून क्रश किया हुआ धनिया, अमचूर पाउडर, और कलौंजी और अजवाइन, इन सबको हम डाल देंगे। नमक हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरा धनिया डालेंगे। इसमें मैंने हरा धनिया ज़्यादा ही डाला है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और विंटर सीज़न में तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हरे धनिया में से। और जो आलू का पराठा है तो विंटर सीज़न में बहुत ही मज़ा आता है खाने में, और बच्चे तो बहुत शौक से खाएँगे जब इसका कलर आप देखेंगे कितना अच्छा आया है। तो चलिए हम बना लेते हैं ये पालक वाले आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे ये स्टफिंग। अच्छे से फैला के हम इसे पराठों का शेप देंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसे बेल लिया है चारों तरफ से, और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो तवे के ऊपर हम डालेंगे पराठे।
और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप सबके साथ लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आज आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे रेडी करेंगे। तो इसके ऊपर हम डालेंगे ये ऑयल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये पराठा, बहुत ही टेस्टी बना था ये, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। और चावल मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। चावल तो मैं जो डेली बनाती हूँ ठीक वैसे ही मैंने चावल बनाया है, क्योंकि हमारे घर में स्टीम राइस ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सबको मेरी ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम यहाँ पे मेथी और कीमा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मसाले रेडी करेंगे। तो मैंने इसमें 10 से 15 लहसुन की जवे डाले, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है, और ये है 5 से 6 हरी मिर्च, उसको अच्छे से मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। पैन में मैंने ऐड किया है ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें मैंने ऐड किया है ये प्याज बारीक चॉप किए हुए 1 मीडियम साइज़ के। हम इस प्याज को हल्का सा बादामी कलर होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ये बादामी कलर हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये कीमा, और ये कीमा मैंने 250 ग्राम लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें प्याज के साथ फ्राई कर लूंगी। नमक मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है 1 टीस्पून। ढक के मैं इसे हल्का सा कुक होने दूंगी। तो यहाँ पे ये पानी छोड़ दिया, इसके अंदर ये जो ग्राइंड किए हुए मसाले हैं इसे मैं डाल दूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने सिर्फ मोटा मोटा सा ही कूटा है। अच्छे से हम कीमे को गलने देंगे इसी पानी में। तो यहाँ पे ये गल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है ड्राई हो चुका है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये मेथी, क्योंकि मेथी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको हम एक साथ नहीं डालेंगे। जैसे कीमा गल जाएगा बाद में हम इसमें मेथी की जो भाजी है इसे डाल देंगे। और कीमा मेथी बहुत ही अच्छा लगता है, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो क्या आप सबने कभी ट्राई किया है? नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से ट्राई करें मेरे इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि हम इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे जो ये भाजी अच्छे से इसमें गल जाएगी। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। तो हाफ कप से भी कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ढक के इसे कुक होने देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भाजी अच्छे से गल चुकी है कीमे के साथ। तो इसको हम ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा गीला ही रखेंगे। तो चलिए मेथी कीमा बनके रेडी हो चुका है। अब हम दाल को तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, और ये है राई, और यह है प्याज और लहसुन चॉप किए हुए, ज़ीरा, और बाद में मैंने डाला इसमें हींग और एक सूखी लाल मिर्च।
वीडियो स्किप हो गई थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अच्छे से ब्राउन होने के बाद दाल में हम तड़का लगा लेंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं लंच को पैक। तो सबसे पहले मैं चावल डालती हूँ। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पैक करने के। उसके बाद मैं डालती हूँ ये दाल। और उसके बाद मैं डालूँगी ये मेथी कीमा। तो आप सबको मेरी ये सारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। और इसका फीडबैक आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। अगर आप सब ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।